पबजी और फेसबुक के जरिए प्यार चढ़ा परवान। नाबालिग लड़की को बंगाल से भगा लाया फिरोजाबाद का युवक। एक महीने से रह रहा था लड़की के साथ। फिरोजाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, लड़की का कराया मेडिकल। दरअसल पश्चिम बंगाल के जिला दिनाजपुर के फुलवारी की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी 11वीं कक्षा में पढ़ती है। परिजनों ने उसे ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ने के लिए मोबाइल दिया तो किशोरी ने फेसबुक और पबजी सोशल मीडिया पर गतिविधियां तेज कर दी। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण इलाके के संत नगर मोहल्ले में रहने वाले 22 वर्षीय युवक अजय कुमार पुत्र राजकुमार ने इस किशोरी से फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर ली। अजय कुमार लोगों के घरों में जाकर मेहंदी लगाने का काम करता है। फेसबुक और पबजी से दोस्ती के बाद दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। दोनों में बातचीत होने लगी। अजय लड़की को फंसाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल पहुंच गया और उस लड़की से मिलता रहा। 29 सितंबर 2021 को वह किशोरी को उसके घर से बहला फुसला कर अपने साथ फिरोजाबाद लाकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। अपने घर से गायब हुई किशोरी के पिता ने पश्चिम बंगाल में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसको लेकर बंगाल पुलिस ने राजकीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली से संपर्क किया। आयोग की अध्यक्ष प्रियंका ने पूरे रेस्क्यू कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क साधा, जहां यह पता लगा कि किशोरी के संबंध फेसबुक और पबजी के माध्यम से फिरोजाबाद के लड़के अजय के साथ थे। इसी क्लू के आधार पर चाइल्ड लाइन फिरोजाबाद के निदेशक डॉक्टर जफर आलम जिला प्रोबेशन अधिकारी सीमा मौर्या को एक पत्र भेजकर अवगत कराया। चाइल्ड लाइन टीम के सदस्य बुधवार को फिरोजाबाद आए और एसएसपी को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के प्रभारी भानु प्रताप सिंह तथा दक्षिण पुलिस को इस मामले में लगाया, जिसके आधार पर दक्षिण पुलिस ने किशोरी और आरोपी युवक को उसके घर से बरामद कर लिया है। थाना दक्षिण से जुड़ा हुआ है, जहां वेस्ट बंगाल की एक लगभग 16 वर्षीय नाबालिग लड़की है, जिसकी मित्रता फेसबुक पे यहां एक लड़के से हो जाती है। दक्षिण के क्षेत्र के रहने वाले संतनगर का निवासी है ये, और इससे लड़का वहां जाता है, इसको लेके आता है और पिछले एक महीने से यहीं रह रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लड़की की पिता की शिकायत पे इस मामले का संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई करते हुए हमारी एएसटीयू की टीम और उस टीम ने साथ में कार्रवाई करते हुए इसको कल रेस्क्यू किया है आज। और इस रेस्क्यू के बाद तत्काल, क्योंकि मुकदमा इसका वेस्ट बंगाल में जिला दक्षिण दिनाजपुर और थाना गंगा रामपुर में लिखा हुआ है, और उस मुकदमे के आईओ को सूचित किया गया है थाने के माध्यम से, और वहां से टीम रवाना हो गई है, वो यहां आके आवश्यक विधि कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। ये बच्ची बंगाल से आई थी किसी लड़के के साथ, और इस बच्ची की पबजी खेलते हुए दोस्ती हो गई किसी लड़के से, जिसका ताल्लुक उस लड़के का भी है तो फिरोजाबाद से, लेकिन बंगाल से भी था। तो इस बच्ची को वो ले आया ट्रैफिकिंग करके, उसमें वहाँ के थाने में एफआईआर दर्ज हुई अपहरण में, और कल बच्ची को बरामद कराया गया है चाइल्ड लाइन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और बाल संरक्षण इकाई की टीम ने। तो दो लोग उसमें अरेस्ट भी हुए हैं। अब वो पुलिस का कार्रवाई का जो विषय है, पूछताछ का जो है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन लड़की सकुशल हम लोगों ने बरामद की है। और चाइल्ड लाइन की टीम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चाइल्ड लाइन की महिला टीम ने इस बच्ची को ट्रेस करने के लिए और वो जो मुलजिम थे उनके घर में ट्रेस करने के लिए घर की तलाश करना और उनको अरेस्ट कराने में मदद करना, इस तरह से हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। अच्छा, ये शादी भी कर ली थी लड़की ने? देखिए, बच्ची ने बताया यही है कि शादी कर ली है, लेकिन बच्ची की उम्र बहुत कम है, माइनर है, तो जे एक्ट के मुताबिक उस शादी के कोई मायने नहीं होते। और अमूमन जो भी बच्चियां आती हैं इस तरह से, तो वो लगभग सभी शादी कर लेती हैं, लेकिन कानूनन वो राइट्स उन्हें नहीं मिला है और जे एक्ट में ऐसा नहीं।